तो हम थेवेनिन थ्योरम के दो केस डिस्कस कर चुके हैं। अब केस नंबर थ्री है जिसमें ऐसा नेटवर्क आता है जिसमें हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्सेस कनेक्टेड हों। तो इस केस में हम वीओसी और आईएससी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वीओसी जो है हम डिजायर टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी हमारा लोड कनेक्टेड होता है उसको हम ओपन करके वीओसी कैलकुलेट करते हैं, और आईएससी हम उन डिजायर टर्मिनल को शॉर्ट करके करते हैं। ठीक है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो हमारा सर्किट को ओपन करके फाइंड आउट होगा, और आईएससी जो है यानी शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो सर्किट के डिजायर टर्मिनल को शॉर्ट करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं। सपोज ये एक नेटवर्क है, अगर हमें वीओसी फाइंड आउट करना है तो हम इन टर्मिनल्स ए और बी को ओपन कर देंगे और वीओसी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करनी तो हम इन दो टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देंगे और ISC फाइंड आउट कर लेंगे। तो ठीक है, ISC की डायरेक्शन हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही हो। ठीक है, ये था हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। उसके बाद जब हम RTH कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा VOC अपॉन ISC। तो इस तरह से हम थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड करंट आई यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो हमें थेवेनिन थ्योरम का यूज करके करंट आई कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, हम वीओसी फाइंड आउट करेंगे स्टेप वन में। जब वीओसी फाइंड आउट करेंगे तो जो डिजायर टर्मिनल्स हैं हमारे ए और बी इनको हम ओपन कर देंगे। इसकी वैल्यू जो है 10 वोल्ट्स गिवन है क्वेश्चन में। ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये जो है हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो कि Vx की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, और Vx जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस दिया हुआ है। ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इन टर्मिनल्स ए और बी के अक्रॉस हमें VOC फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो हमारी करंट फ्लो हो रही है वो 2Vx फ्लो हो रही है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारी कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस Vx दिया हुआ है और आर की वैल्यू 1 है, तो इसमें यहाँ पर Vx मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो हो रही होगी। अब Vx यहाँ से आ रहा है और 2Vx यहाँ से आ रहा है, तो इस ब्रांच में हमारी जो है 3Vx करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है, अब क्योंकि ओपन सर्किट है यहां पर करंट आकर के 0 हो जा रही है, ये हमारा ओपन सर्किट है, तो जो 3Vx की करंट है उसकी जो वैल्यू है 0 हो जाएगी और Vx जो है 0 हो जाएगा। हालांकि Vx को हम 0 एज्यूम 0 मानकर नहीं चलेंगे, ये तो हमारा जो है जब हमने इसको ओपन सर्किट किया है उस कंडीशन में Vx 0 आया है। जब हम शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करेंगे और जब ए और बी को टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे तब Vx की वैल्यू कुछ और आएगी। तो अब हम KVL अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस सर्किट में इस तरह से
देखिए यहाँ से माइनस टू प्लस प्लस टेन, माइनस प्लस से माइनस हम लेंगे माइनस, वी एक्स इंटू वन माइनस टू इंटू थ्री वी एक्स, टू रेजिस्टेंस और थ्री वी एक्स का करंट, और प्लस से माइनस माइनस वी ओ सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब वी एक्स जीरो कर देंगे तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो वी ओ सी इक्वल टू हमारा 10 वोल्ट्स आएगा। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमको आई एस सी फाइंड आउट करना है। अब हमने बताया कि आई एस सी फाइंड आउट करने के लिए जो टर्मिनल ए और बी हैं उन्हें हम शॉर्ट करेंगे। ये हमारा 10 वोल्ट का इंडिपेंडेंट सोर्स था, ये हमारा 1 ओम जहां पर वोल्टेज वी एक्स, ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है यहां पर 2Vx, उसके बाद हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये पॉइंट ए थे और ये पॉइंट बी थे। तो ISC निकालने के लिए इन दो टर्मिनल को हमें शॉर्ट करना होगा। ठीक है, और इस ISC की डायरेक्शन हम ऐसी एज्यूम करेंगे प्लस से माइनस की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो देखिए फिर वही चीज़, यहाँ पर 2Vx करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर Vx करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पर 3Vx करंट फ्लो होगी। यही 3Vx यहाँ जाके शॉर्ट सर्किट में जा रही है, तो इसका मतलब ISC इक्वल टू 3Vx। ठीक है, उसके बाद हम KVL अप्लाई करेंगे। देखिए 10 यहाँ से करते हैं इस तरह से, 10 माइनस Vx माइनस 2 इंटू 3Vx इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखिए Vx की वैल्यू कुछ और आएगी, 10 माइनस 7Vx इक्वल टू जीरो, तो Vx इक्वल टू 10/7 वोल्ट्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा ISC होगा वो क्या होगा, I इक्वल टू हमारा V अपॉन R। ठीक है, तो वोल्टेज आया है जो हमारा Vx, टेन बाई सेवन, ये जो हमारा Vx है वो 10/7 आया है, और ISC जो था वो हमारा 3Vx है, तो इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30/7 एम्पियर। तो यहाँ से हमारा हमने ISC निकाल लिया। अब हम RTH निकाल सकते हैं। RTH कैसे निकलेगा, VOC यानी ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाई शॉर्ट सर्किट करंट। VOC आया था हमारा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई ISC है हमारा 30/7, 10 × 7/30, तो आएगा हमारा 7/3 ओम। ठीक है, तो अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, और उसके बाद जो करंट I की वैल्यू हमसे पूछी है वो पूछ लेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट यानी VTH यानी V ओपन सर्किट वोल्टेज, जो कि था हमारा 10 वोल्ट, और उसके सीरीज में RTH जो कि हमारा निकल के आया 7/3 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन में जो है लोड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था वो उसको हम लगा देंगे। लोड रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 3 ओम का था। ठीक है, और इसमें फ्लो होने वाली करंट I पूछी गई थी हमसे, तो I इक्वल टू सिंपल V अपॉन R, V जो है हमारा 10 और रेजिस्टेंस जो है ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 7/3 प्लस 3, तो कैलकुलेट करेंगे तो 1.875
5 एम्पियर, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से केस 3 के न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्टन थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।